मुकदमों में आए रोज चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रात थाना सदर की हदूद तोसा मोड़ पर वाकया मजीद पीसीओ की दुकान में चोरों ने दुकान की छत उखाड़ कर 4 लाख रुपये से जायद मालियत और मोबाइल का बैग लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुँच के कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। मुतासर दुकानदार अब्दुल मजीद ने मीडिया से गुफ्तगु की, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। मजीद पीसीओ तो समोड़, मेरा नाम है मजीद। मेरे तकरीबन कोई 5 to 5.5 लाख का नग कैश है, तकरीबन कोई 70-80 हज़ार इसी पैसे का है नग पे। तो कोई पहले से ही कोई नवे मोबाइल हैं मेरे, ला मिला के तकरीबन 7 to 7.5 लाख का नुकसान है। साढ़े तौसा मोड़ से आए रोज तकरीबन हफ्ते जे कभी वारदात लाजमी दी है। ये जरा नुकसान होने के बाद मेरी अपनी रकम है कहना, टोटल रकम दस्ती चाहिए। एहसास एमरजेंसी कैश का प्रोग्राम वो चलाई पे जी वजह को सब कैश जरूरत दी असर दस्ती लोगों को मंगिए। उनके बाद कल बिलिंग डेट आई, बिलें का पैसा सारे को आया भी जिंदा वो भी चाहिए गए, लिहाजा सारा नुकसान वो जल्दी पूरा कर दिया। गरीब बंदे कितों इतना पैसे पूरे कर दू सारा आला काम तो जरा DPO मुजफ्फरगढ़ है, DSP कोटा दू, वजीर आला पंजाब। सारी अपील है कि सारे जल्दी से जल्दी कवर करा, लिहाजा सारे को सिक्योरिटी बतावे ना, सब परेशान है। निके निके बाल जितनी करें सारी जी चोरी के बच्चे वेली पी, हर हफ्ते तो 15 ने एक अद्धी चोरी थी पी है कहीं ना कहीं दुकान की।